तो जगत परिवर्तित है, नश्वर है और भगवान अपरिवर्तित है, शाश्वत है। शरीर जगत का रूप है, जैसे जगत बदलता है ऐसे शरीर बदलता है, लेकिन शरीर की बदलाहट को जो जानता है वो अबदल है, आत्मा। और जगत की बदलाहट का जो अधिष्ठान है वो है परमात्मा। जैसे तरंग का पानी और सागर का पानी, तरंग दिखता है तो छोटा है लेकिन पानी माने तो वही है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा वही है, एक सत्ता। तो जगत परिवर्तितशील है, उसका उपयोग जो करता है विवेक से, वो परिवर्तितशील परिवर्तनशील जगत का उपयोग करके अपरिवर्तित आत्मा में शांति पाता है, आत्म प्रसाद या मति का धनी बन जाता है। उस प्रसाद से उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। गीता में कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम, एक दो नहीं सर्व दुखा नाम, हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेत सोया सुबुद्धि पर्यवितिष्ठ थे। वो परमात्मा तत्व के माधुर्य में उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती। तो परमात्मा है सत चित आनंद, तो उसकी बुद्धि सच्चिदानंद में स्थित हो जाती। जैसे लोहा अग्नि में स्थित होने से अग्निमय हो जाता है, ऐसे ही जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है, भगवतमय मति, इसको बोलते भगवत प्रसाद जा मति, तामसी मति, राजसी मति, सात्विक मति, तत्व उन्मुख मति, विवेक मति आदि, तो भगवत प्रसाद जा मति। और आखिरी में होता है तत्व प्रसाद जाओ, भगवत तत्व, भगवत प्रसाद जा, तत्व प्रसाद जा मति। ये मति के आखिरी है, मानव जीवन की ऊंचाई की आखिरी है। तामसी मति पशु धर्माल मनुष्य, पान मसाला खाना, गप सब लगाना, झूठ कपट करना, दगा फटका करके जगत का मजा लेना। तो जगत का जो उपयोग करते हैं वे विवेक के होते हैं, और जो जगत का उपभोग करते हैं उनके अंदर भगवत कृपा का विवेक नहीं होता। जीवत्व का तो विवेक होता है, जैसे कीड़ी में भी विवेक है कि ये शक्कर है, ये नमक है। कुत्ते में भी विवेक है कि ये खाने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, ये अपना है, ये पराया है। इतना ज्ञान तो कुत्ते में खटमल में भी है कि ये खाने योग्य है, यहाँ से भागने योग्य है। लेकिन मनुष्य का विवेक नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अविनाशी क्या है, विनाशी क्या है, मैं क्या हूँ और मेरा क्या है, आने जाने वाला क्या है और शाश्वत क्या है, ऐसा विवेक मनुष्य बुद्धि में हो सकता है। ऐसी बुद्धि की मलिनता हो जाती है कि वो विवेक दबा रह जाता है। जैसे आ गई बीमारी तो मैं बीमार हूँ। अब बीमारी तो आई है, मैं तो पहले भी था, और बीमारी आई है तो जाती है, मैं तो रहता है लेकिन मैं बीमार हूँ। तो शरीर की बीमारी अपने में थोप देते हैं, ये अविवेक है। ऐसे मन में दुख आया तो बोले मैं दुखी हूँ। अरे मूर्ख के सरदार, दुख आया और चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, तुम उसको जानने वाले हो, तुम नित्य तत्व परमात्मा के अमृत स्वभाव के संतान हो। तो बीमारी के साथ जुड़कर मैं बीमार हूँ, दुख के साथ जुड़कर मैं दुखी हूँ, ऐसे चिंता के साथ जुड़कर मैं चिंतित हूँ, ऐसे काम आता है तो कामी बन गए, लोभ आया तो लोभी बन गए, मोह आया तो मोही बन गए। लेकिन ये सब नश्वर है, काम आता है सदा नहीं रहेगा, आप सदा रहते हैं। क्रोध आता है सदा नहीं रहेगा, लोभ आता है सतत नहीं रहेगा, मोह आता है सतत नहीं रहेगा, लेकिन उसको जानने वाला सतत रहता है। रहता है कि नहीं रहता? तो जानने वाला आत्मा है, नित्य है। तो अपन है नित्य
लेकिन अनित्य के साथ घुल मिल के अविवेकी होकर जगत का उपभोग करते हैं। जैसे भोजन किया स्वास्थ्य के लिए तो उपयोग हो गया, लेकिन मजा लेने के लिए खाया तो उपभोग हो गया। पति पत्नी का व्यवहार है, तिथि वार त्यौहार देख के संतान को जन्म देने के लिए संसार में उतरे तो उपयोग हो गया, और पति पत्नी के शरीरों की सत्यानाश करना एक दूसरे की ये उपभोग हो गया। देखना जरूरी है तो उपयोग हो गया, लेकिन बिन जरूरी झांकते रहे तो गए। तो जिनके जीवन में भगवान की कृपा होती है बुद्धि में, भगवान की कृपा तो सभी पर है, लेकिन विशेष कृपा, जैसे सूर्य का प्रकाश तो दिन में सब जगह होता है, जहाँ बिलोरी का आंचला हो वहाँ सूर्य का प्रकाश विशेष, दाहक शक्ति विशेष। ऐसे ही जहाँ भगवान को अपना मानते हैं वहाँ बुद्धि में भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनती है। सामान्य आदमी दुख में जितना दुखी होता है, साधक भक्त इतना दुख में दुखी नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति सुख में जितना फूलता और चिपक जाता है, भक्त समझता कि आने जाने वाला है। तो सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए अपने आत्मा को पहचान। तो जो अपने आत्मा को पहचानने का उद्देश्य बनाता है उसकी बुद्धि ऊंची हो जाती। समझ रहे हैं बबलू? आत्मा परमात्मा को पहचानने का पाने का उद्देश्य बनाता उसकी बुद्धि ऊंची हो जाएगी। जो जगत का उपयोग करता है उसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि ऊंची है वो जगत का उपयोग करेगा, और जिसकी बुद्धि नीची है वो जगत का उपभोग करेगा। अब उपभोग करने वाले विदेशों में और अपने देश में ऐसे लोग, जगत का सब कुछ है, चीजें मकान है दुकान है ये है, फिर भी शांति नहीं। क्लब में जाते, दारू पीते, नाचते, झूम शराबी, झूम झूम शराबी, झूम सत्यानाश करते अपने बिचारे। तो ये जो उपभोग करते हैं वे जगत के पचड़े में, जन्म में, मरण में, दुख में, अशांति में, फस फस के अंत में मर जाते, नीच योनियों में जाते। लेकिन जो जगत का उपयोग करते हैं उनका विवेक जगता है, वैराग्य जगता है, षट संपत्ति जगती है, मोक्ष की इच्छा जगती है, और वे भगवान को पा लेते। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, भगवान के बराबरी दुनिया कोई वस्तु नहीं, क्योंकि भगवान नित्य है, संसार अनित्य है, भगवान शाश्वत है, संसार नश्वर है। तो नश्वर का उपभोग करने वाले नाश को हो प्राप्त करते हैं, और नश्वर का उपयोग करने वाले अविनाशी को पाने का विवेक करते। तो भगवान का उपभोग होता है कि उपयोग होता है? हम भगवान का उपयोग करें कि उपभोग करें? वास्तव में भगवान का न उपभोग होता है न उपयोग होता है। भगवान का तो स्वभाव जाना जाता है। भगवान का स्वभाव जानो और जगत का स्वभाव जानो, बेड़ा पार हो जाएगा। जगत का स्वभाव क्या है? अनित्यता, नश्वरता, धोखा धड़ी। कितना भी पति पत्नी में प्रेम हो फिर भी एक दूसरे से कुछ छुपाते, कितना भी सुंदर सुंदरियां हो फिर भी नाक ऊपर करके देखो क्या भरा है, दांतों में नजीक देखो तो क्या बदबू आती, चमड़ा हटाकर मन से सोचो तो क्या भरा है। और जगत को विवेक से देखो तो जगत में से वैराग्य आएगा। तो जगत का ज्ञान होने से जगत से वैराग्य आएगा, विवेक जगेगा, और भगवान का ज्ञान होने से, भगवान का स्वभाव जानने से भगवान में प्रीति होगी, अपने और भगवान के बीच की दूरी मिटेगी, और अपने को हम दीनहीन अनाथ असहाय कभी नहीं मानेंगे भगवान का स्वभाव जानोगे तो। जैसे हम माँ के गोद में जन्मे तो हमारे लिए दूध माँ ने नहीं बनाया, किसी रिश्तेदार ने नहीं बनाया, हमने भी नहीं बनाया। माँ तो वही दूध रोटी खाती थी, जो भी रोटी सब्जी दाल चावल आदि, तो दूध बन गया। ये दूध बनाना किसी जड़ वस्तु का काम नहीं है, जड़ के पास वो ज्ञान नहीं होता है।
दूध बनाने की प्रक्रिया या जो सिद्धांत या संकल्प सामर्थ्य, ये चेतन का ज्ञान है। जब बच्चे को दूध की जरूरत होती है तब तक आता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये दूध बनना और बंद होना बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, और बालक के अनुरूप अनुकूल स्वास्थ्य के लिए दूध बनता है। तो मानना पड़ेगा कि भगवान हमारे सुहृद भी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुहृद हैं भगवान, और भगवान ज्ञान स्वरूप भी है, भगवान चेतन स्वरूप भी है, और भगवान आनंद स्वरूप भी है। तो शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजि भावन आना। जो रोम रोम में ब्रह्मांडों के रोम रोम में रम रहे, उस भगवान का स्वभाव जिसने जान लिया, वो भगवत रस के बिना, भगवत भाव के बिना, भगवत आश्रय के बिना, भगवत प्रीति के बिना, भगवत सुख के बिना रह नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। तो भगवान ऐसे हैं और वो हमारे अपने हैं। हम उनको नहीं जानते तो भी वो हमारे हैं, हम उनको नहीं मानते फिर भी वो हमको अपना मानते जानते। अगर हम उनको अपना माने तो देर सवेर उनके प्रति प्रीति होगी, और फिर वो ही कृपा करके अज्ञानता नाश करने की, भगवान को पाने की ललक देंगे। तब पता चलेगा कि अरे वास्तव में तो भगवान ही है, वास्तव में तो पानी है, तरंग खाली दिखावट है, वास्तविक में सोना है, गहना खाली दिखावट है, वास्तविक में आकाश है, घड़ा केवल दिखावट है, मठ दिखावट है। ऐसे वास्तविक सत्चित आनंद स्वरूप आकाश से भी सूक्ष्म सच्चिदानंद ब्रह्म मेरा आत्मा परमात्मा नित्य है, सुख रूप है, ज्ञान रूप है, प्राणी मात्र का सुहृद है, मुक्त स्वरूप है। तो भगवान का स्वभाव जानने से आपके अंदर जो भगवत सत्ता, आपका जो अपना असलियत है, वो प्रकट होने लगेगी। बोले भगवान का यश गाओ, भगवान का पूजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम लो, तो ये बंधन नहीं है हमारे पर। भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का यश गान नहीं करेंगे तो, जैसे किसी नेता की खुशामत ना करो तो नेता गड़बड़ी करा देगा, ऐसे भगवान हमारे लिए गड़बड़ी करा देंगे, ऐसा नहीं है। आप भगवान को मानो चाहे ना मानो, फिर भी भगवान का सूर्य आपको वही डी विटामिन्स देगा। भगवान को मानो चाहे ना मानो, फिर भी आँखों को देखने की सत्ता और बुद्धि को सब देते हैं। लेकिन भगवान को मानने से, उनका चिंतन करने से हमारे अंदर में भगवत प्रीति जगती है, भगवत प्रसाद जा मति बनती है, और हमारे ऊपर जो विकारों का आंधी चलती है, काम आया हम कामी हो गए, क्रोध आ गया हम क्रोधी हो गए। महात्मा गांधी ने लिखा अपनी जीवनी में कि मैं अगर राम नाम का सहारा नहीं लेता, राम नाम को नहीं मानता, राम नाम का स्मरण नहीं करता, तो उन बहनों को मैं बहन कहने के लायक नहीं हो सकता। शेख मेहताब वैश्याओं के पास ले गए, वैश्या के पास। उस समय भगवान का चिंतन किया कि भगवान मैंने तो माँ से वायदा किया था और इसी जगह पे आया, तू ही बचा। ऐसा है दो बार हुआ, और भी कई बार फिसलने का मौका आया तो भगवान को पुकारे, तो बुद्धि में, अपनी बुद्धि में या सामने वाले की बुद्धि में, भगवान ने ऐसी लीला की वैश्या की बुद्धि में कि वैश्या ने गांधी जी को धमका दिया। तो भगवान ने किसी के द्वारा बचा दिया या अपना विवेक जगा के अपने को बचा दिया। तो भगवान का स्मरण, भगवान का आश्रय लेने से निर्बल, निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी महान पद को पा लेते, और भगवत आश्रय के बिना बड़े बलवान, बड़े सत्तावान भी अहम में आ जाते, विकारों में आ जाते, अपने व्यक्ति विशेष में आ जाते, पिछड़ जाते। जैसे रावण में कैलाश पर्वत उठाने की ताकत तपस्या के बल से,
फिर रोज रोज कैलाश में आना, शिव जी का पूजन करा, ऐसे तो चलो कैलाश ही ले जाओ लंका में, वहीं पूजन करेंगे। और जो कैलाश थोड़ा हिला, रावण ने दिया कैलाश को उठाने का कंधा, कैलाश हिला तो शिव जी को पार्वती ने कहा कि ऐसा भक्त बनाए कि अपना ही घर उठा के ले जाए। तो शिव जी ने जरा सा पैर का अंगूठा दबा दिया तो फिर रावण चे चे करने लगा। अब कैलाश पर्वत उठाने का सामर्थ्य रावण को, लेकिन सीता स्वयंवर में राम जी भी थे और रावण भी आया था, और शिव जी का धनुष उठाने में विफल हो गया। रावण शिव जी का धनुष नहीं उठा पाया। अंगद का पैर नहीं उठा पाया, अंगद ने पैर जमा दिया, बोले मेरा ये पैर उठा दो तो मैं समझूंगा प्रभु जी राम जी सीता हारे, सीता तुम्हारे पास ही रही, सीता ठाकुर जी हारे। अब अंगद में ये ताकत कैसे के स्वामी की पत्नी का दाव लगा रहा है, तो अंगद में ये विश्वास था और अंगद ये दिखाना चाहता था कि सीता जी लंका में होते हुए भी रावण सीता जी को अपना नहीं मान पा रहा है, सीता जी तो श्री राम की है। और रावण उठा और अंगद का पैर उठाया तो अंगद ने पैर ऐसा जमाया कि रावण उठा नहीं सका। कहां तो कैलाश उठाने की ताकत और धनुष बाण उठाने में विफल, अंगद का पैर उठाने में विफल, लक्ष्मण को उठाने में विफल, तो ये कहां चला गया सामर्थ्य। मैं लंकापति रहूं, तो शक्ति आई और फिर वो शक्ति मैं में अहंकार में जगत की सत्यता में लग गई तो शक्तिहीनता आ गई। लेकिन शक्ति जब शक्ति दाता में बनी रहती है तो कोई हरकत नहीं रहती। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, भगवान की सत्ता चेतना माधुर्य के बिना जगत कोई महत्वपूर्ण नहीं। जगत की कितनी भी ऊंचाई ले लो दुख नहीं मिटेगा, निश्चिंतता नहीं आएगी, निर्भीकता नहीं आएगी, सदगति नहीं होती। जगत में कितनी भी ऊंचाई ले लो, कितने सर्टिफिकेट, कितने पैसे, कितने यार दोस्तार पद प्रतिष्ठा, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। तो प्रेम पंथ सम पंथ, भगवान को प्रेम करो तो जल्दी भगवत सत्ता भगवत माधुर्य का एहसास होता है। तो प्रेम उसी पे होता है जिसको अपना मानते हैं। तो भगवान ही अपने थे, अपने हैं, अपने रहेंगे। ये शरीर अपना पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, ये पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, रहेगा ऐसे, ये भी पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। लेकिन इसको जानने वाला आत्मा परमात्मा पहले भी था अभी भी है, शरीर मर जाए फिर भी रहेगा। तो हरि नित्य है, जगत अनित्य है, हरि चेतन रूप है, जगत जड़ रूप है, हरि ज्ञान स्वरूप है। लेकिन हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, हाथ को पता है मैं हाथ हूँ, सिर को पता है मैं सिर हूँ, नाक को पता है मैं नाक नहीं, पेट को पता है मैं पेट हूँ नहीं, हम को पता है ये पेट है, तो हम चेतन स्वरूप है। तो भगवान की जात सत्चित आनंद रूप है, तो हमारी जात भी सत्चित आनंद रूप है। तो हम भगवान की जात के हैं, शरीर की जात के नहीं है। शरीर मरता है, पैदा होता है, बदलता है, दुखी सुखी होता है, बीमार तंदुरुस्त होता है, हम उसको जानते हैं। तो जो निगुरे लोग हैं, चाहे बाहर की दुनिया की कितनी भी विद्या हो, लेकिन इतना ज्ञान उनको नहीं है, शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मान लेते तो बीमारी और गहरी होगी। मन के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, बुद्धि की कुशलता को अपनी कुशलता मान लेते हैं, और कोई सामर्थ्य है तो अपना सामर्थ्य मान लेते हैं। तो जैसे रावण के पास कुशलता सामर्थ्य सब अच्छी योग्यताएं थी, रावण के पास जैसी योग्यताएं थी वैसी योग्यताएं तो आज के दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर भी रावण की बराबरी नहीं कर सकते। रावण के पास वो साइंस थी, वो सूझबूझ थी कि समुद्र का जल खारास रहित करने का प्लानिंग था उसका, अग्नि बिना धुएं की करने का उसका योजना थी, चंद्रमा को सदा पूनम का चांद बनाने की योजना थी उसके पास, और स्वर्ग में पहुंचने की विद्या उसके पास, सब लोगों को सुलभ हो वो करना था। स्वर्ग की सीढ़ियां, मतलब आप लोग सीढ़ी लगाते ऐसी नहीं, लेकिन स्वर्ग में जाने की व्यवस्था।
तो अच्छा काम करने का विचार आया उसको टाल दिया और मजा लेने लग गए। तो एक अच्छे विचार आते और बुरे विचार आते, तो जो बुरे विचार से थोड़ा बच जाए और अच्छे काम में लग जाए तो उन्नत होता है। लेकिन अच्छे विचार, अच्छा काम बाद में करूँगा, जरा भी मजा ले लूँ, जरा ये मजा ले लूँ, जगत की सत्यता में फिसलता है तो फिर अच्छाई को समय खा जाता है और बुराई बढ़ जाती। अच्छाई में लगे तो बुराई को समय खा जाता है और अच्छाई बढ़ जाती। चलो पिक्चर देखें, चलो वेबसाइट पे ये देखें, चलो ये करें, चलो क्रिकेट खेलें, चलो ऐसा करें ऐसा करें, तो जो हल्के विचार आते हैं उसमें लग जाएगा तो अच्छे विचार का महत्व घट जाएगा। तो आदमी फिर धीरे 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 तुच्छ हो जाता है, पतित हो जाता है। और अच्छे विचार आए, आई मौज फकीर के दिया झोंपड़ा फूंक, भगवान के लिए आया विचार तो बस चल पड़े। लोहा गर्म होता है ना तो उस पर घन लगती है तो घाट बनता है। अच्छे विचार आए तो अमल में लाए, और बुरे विचार आए तो बोले कल, फिर कल, आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, बहुत पड़े हैं बरसों। तो हल्के विचार हल्के कर्म के लिए वायदा कर दो तो हल्कापन चला जाएगा, और अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जल्दी से करो, क्या पता फिर आए ना आए। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, भगवान के समान जगत की कोई माना ही नहीं रखता। कितना कितना विकास 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 की ठेकड़े मार रहे हैं, लेकिन इतना विकास रावण ने किया कि सोने की लंका, हिरण्यकश्यपु ने किया सोने की लंका, मन चाहे वेग से उनका यान उड़ता था। ऐसा विकास के बाद भी भगवान की प्रीति के बिना वे थक गए हार गए, तो आज का विकास 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 कहाँ ले जाएगा। प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, मकान बन गए, दुकान बन गए, ये हो गया वो हो गया, फिर भी शांति नहीं। विकास है कि विनाश है? विकास वही विकास है जो परमात्मा में विश्रांति दिलाए, दूसरों के आंसू पहुंचकर औदार्य सुख जगाए। किसी के पास कुछ भी ना हो, न धन हो, न योग्यता हो, न सत्ता हो, न जन बल हो, न सत्ता बल हो, न धन बल हो, फिर भी वो अपना मंगल कर सकता है। कैसे? कि सेवा करके। सेवा के लिए कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं फिर भी सेवा कर सकता है। कोई दुखी मिले तो उसका दुख देखकर ये दुख उसका कैसे मिटे, और कुछ नहीं तो उसको बोलो कि आपका बेटा बीमार है, अथवा आपको धन का अभाव है, आपका जो भी दुख है, हमारे पास वो साधन तो नहीं, लेकिन भगवान करे आपका दुख मिटे। सदा के लिए समय नहीं रहेगा, आप अभी दुखी ना हो, थोड़ा प्रयत्न करो, मेरे लायक कोई सेवा बताओ, उसको सांत्वना दे दी, उसके दुख में आप भागीदार हो गए। तो दूसरे के दुख में दुखी होंगे तो अपना दुख मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरे के दुख में दुखी होने से आपका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, दुखहारी भगवान का रस आने लगेगा। और दूसरा कोई सुखी है उसको देखकर ईर्ष्या न करे, चुगली न करे, घृणा न करे, चलो आप सुखी हैं, संतुष्ट है, अच्छा है, भगवान की दया है। तो दूसरे के सुख को प्रसन्नता से स्वीकार करने से आपको मुफ्त में प्रसन्नता मिलेगी। वो तो भोग भोग के तभी सुखी होगा, लेकिन दूसरे के सुख को देखकर आप सुखी होंगे तो ऐसे ही अंतरात्मा का सुख होगा। दूसरे के दुख में वो तो दुख भोग रहा है, लेकिन आप केवल दिलासा देते और सहभागी होते हैं तो आपका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। तो कैसा सुंदर उपाय है। लेकिन अभी क्या करते, एक दूसरे की टांग खींचते, एक दूसरे की निंदा करते, एक दूसरे का दोषारोपण करते, तो इससे क्या है कि मनुष्य कुत्ते के स्वभाव की तरफ जाता है। जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्ते भी अपने अपनी गली के मिल के रहते हैं, सामने वाली पार्टी के कुत्ते आते सब कुत्ते एक साथ भौं 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 लगते। यहाँ तो एक ही माता पिता के बालक बालिकाएं अथवा एक ही गुरु के चेले थे, धमाधम कर लेते, इतनी भी खबर नहीं कि हम एक ही गुरु के चेले हैं, एक ही माँ बाप के औलाद हैं, भाई भाई लड़ने लग जाते, केस मुकदमा आदि।
तो जगत को सच्चा मानने की गलती है, भगवान को अपना नहीं मानने की गलती है। जो नश्वर संसार है, नश्वर धन है, नश्वर तन है, उसको शाश्वत मानकर अंधी दौड़ लगा रहे हैं। इसलिए वे सब कुछ होते हुए भी परेशान हैं, दुखी हैं। कई भाई भाइयों का केस मुकदमा चलता है, चचेरे भाइयों का, मौसी लड़कों का, भाई भाई का, हिंदू का, मुसलमान मुसलमान का, एक आट मारी वो बेचारे। अल्लाह को अपना मानो और सब अल्लाह के हैं तो झगड़े कम हो जाएंगे। तो जिनके जीवन में भगवान की, अल्लाह की, गॉड की उपासना नहीं है, विराग द्वेष में, झपा झपी में परेशान हो जाते। और जिनके जीवन में भगवत उपासना है, उनके जीवन में कोई आफत, मुसीबत, अत्याचार, अन्याय आ भी जाता है तो देर सवेर अत्याचारी को, अन्याय करने वाले को प्रकृति कुछ न कुछ ठीक रास्ता दिखा देती। ठीक समझे तो ठीक रास्ता, दंड से समझे तो दंड का रास्ता। ईश्वर के पास ऐसी व्यवस्था है। इसलिए भगवान के रास्ते जाने वाले को भगवत प्रीति और अपना पुरुषार्थ मिलाना चाहिए। तो बोले पुरुषार्थ बड़ा है कि प्रारब्ध बड़ा है? सब भाग्य से होता है, हो वही सोई जो राम रची राखा, का कर तर्क को तर्क बढ़ावी साखा, हो वही वही जो राम रची राखा, जो प्रारब्ध में होगा तो प्रारब्ध में होगा। तो चुप बैठे रहे, पुरुषार्थ ना करें तो मानव दिन जीवन व्यर्थ हो जाएगा, दीनहीन हो जाएगा, लाचार मोहताज हो जाएगा। नहीं, आप जीवन भर जिन दिन भर मेहनत करते हैं, फिर सब छोड़ के रात को आराम करते ताकि दूसरे दिन मेहनत करने के काबिल हो, ऐसे आप पुरुषार्थ करो परमात्मा को पाने का। और फिर प्रारब्ध वेग से कुछ अघटित घटना घट जाए तो निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, ये प्रारब्ध समझकर पहले का कर्म कट गया, थोड़ा आराम करके फिर अपना पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ की जगह पर पुरुषार्थ का सिद्धांत भी सत्य है और प्रारब्ध की जगह पर प्रारब्ध का सिद्धांत भी सही है। हरि चार प्रकार का चांचल्य होता है। वाणी चांचल्य, बिन जरूरी बोलना, ज्यादा बोलना, दो आदमी बोलते हो तो टपक पड़ना, अथवा थोड़ी सी बात भी लंबे विस्तार में बोलना, ये वाणी चांचल्य। एक दूसरे को भिड़ाने का बोलना, एक दूसरे की निंदा करना, ये वाणी का दोष है। ऐसों की वाणी प्रभावशाली नहीं होती। बद्दू करे, बद्दू दुनिया करे, वो करे, बद्दू, लेकिन प्रभाव रहित हो जाते। भिड़ने भिड़ाने की वाणी, वाणी दोष, वाणी चांचल्य, ज्यादा बोलना, बोलने पड़े तो धड़ 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 बोलते जाते। जैसे खोल दिया ना कंप्यूटर तो चालू हो जाएगा ना, ऐसे कोई मेरे से बात करते ना तो मेरे को उनको सिखाना पड़ता है कि अल्प विराम भी करो, मैं क्या बोलता हूँ सुनो भी दो, धड़ 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 बोलते रहते। ऐसे कई लोग, इसको बोलते वाणी दोष, वाणी चांचल्य। इससे आदमी का ओज नाश होता है, वीर नाश होता है और मज्जा नाश होता है। जैसे दिए में से तेल ढुल जाए तो संसारी व्यवहार, सपन दोष आदि या संसारी व्यवहार से वीर्य, ओज, मज्जा नष्ट हो जाता एक एक साथ। लेकिन वाणी ज़्यादा बोलने से, जैसे दिया जलते जलते तेल और बाती खपता है, ऐसे वाणी का उपयोग करने से मज्जा, वीर्य और धातु क्षीण होता है, खर्च होता है। संभोग आदि या कुकर्म करने से, सपन दोष आदि से धातु क्षीण होता है और इसमें धातु खर्च होता है।
वीर्य मजाद। इसलिए वाणी कम बोलनी चाहिए, 10 की अपेक्षा 6 शब्दों में करना चाहिए। कई ऐसे मूर्ख होते हैं कि 10 की अपेक्षा 200 शब्द बकेंगे, कोई 100, कोई 15-25। ये वाणी चांचल्य है। इस दोष को निकालना सभी मनुष्य का कर्तव्य है, वाणी दोष न हो। दूसरा है नेत्र दोष, नेत्र चांचल्य, इधर देखा उधर देखा बंदर की तरह, उसका मन की शक्ति और प्रभाव कम हो जाएगा। बंदर की नाई आँख घूमती रहेगी, गर्दन घूमती रहेगी, और जितना चंचल होगा या चोर होगा या क्रिमिनल होगा ना, उतने उसके पुलिस वाले पूछते ना, तो मेरे को बताया कहीं पुलिस के अधिकारी ने कि हम पूछते पूछते पहचान जाते हैं कि ये अपराधी है कि नहीं। मैं क्या कैसे बोल के, उसकी आंखों से पता चलता है, हिलचाल से पता चल जाएगा, रिमांड पे रहते हैं फिर। तो एक आदमी उसको डराए धमकाए, दूसरा आदमी उसका पक्ष ले, ठंडा करे गरम करे, अपने आप निकल आता है। बड़े बड़े अधिकारियों ने मेरे को बताया। तो ये वाणी चांचल्य, नेत्र चांचल्य, इससे बचना चाहिए, इसको बचाओ, इससे बचने का उपाय भी बताता हूँ। तीसरा होता है हस्त चांचल्य, हाथ का चंचलता, बैठेंगे तो तिनके तोड़ेंगे, कुछ का कुछ करेंगे, वो करेंगे यो करेंगे, नहीं तो कुछ तो ऐसे बेवकूफ के सुबह मंजन करते समय घुट भर पानी लेके नाक से लिया और सफा कर देना चाहिए। वो करें ना करें, दिन में बैठेंगे और नाक में उंगली की खुरपी घुमाते रहेंगे, और फिर मिला तो दोनों हाथ उंगलियों से घुमाते रहेंगे। मैंने इन बचपन में कईयों को देखा, समीक्षा किया, हाथ में घुमाते रहेंगे नाक का गंदगी, घुमाते 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 5-15-20 मिनट फिर देख के फेंकेंगे। ये बात आदमी ने नारायण को बताई, खूब हंसा। ऐसा करते, ऐसा किसी को तुमने देखा होगा जरूर, देखा है तो ईमानदारी से हाथ उठाओ। देखा है और तुमने भी कभी किया होगा। तो ये है हस्त चांचल्य। ये बात नारायण को मैंने आज सुनाई फोन पे, खूब खूब मजा लिया नारायण। वाणी चांचल्य, हस्त चांचल्य। फिर चौथा होता है नेत्र चांचल्य, वाणी चांचल्य, हस्त चांचल्य। चौथा होता है पाद चांचल्य, बैठे और पैर हिलाएंगे। खड़े खड़े भी लोग पैर हिलाते रहते, ऐसों को भी मैं जानता हूँ। तो ये चंचलता अपनी मानसिक शक्तियों को, स्वास्थ्य को क्षीण करती। तो क्या करें कि पहली उंगली अंगूठे से मिला दें और तीन उंगली सीधी, और एक टक भगवान के सामने देखें, दिया जला सके तो ठीक है, गोचंदन अगरबत्ती गाय का गोबर का कंडा थोड़ा धूप कर दिया जाए। ये केमिकल की अगरबत्तियाँ जो परफ्यूम वाली होती है उसमें तो कई ऐसी चीज़ें पड़ती है खाली परफ्यूम की सुगंधी के सिवाय, बाकी हानिकारक कार्बन कार्बन होता है, रबड़ बबड़ का भी ऑयल जिससे रबड़ बनता है वो चीज़ भी डाल देते हैं धूप बत्तियों में। कई ऐसे केमिकल हैं जो नुकसान करते हैं। तो गाय के गोबर का कंडा जला दिया है, गाय के गोबर की अगरबत्ती जलाए वो फायदा करती। तो अभी हमने बनाई तुलसी, तुलसी तुलसी की खेती होती है ना, अपन तुलसी खूब बोते हैं, तो तुलसी तुलसी का पाउडर और गाय का गोबर और राड़ आदि डाल के ये बनवाई अगरबत्ती, उसमें 2-4 बूंदे घी की डाल देता हूँ। कमरा बंद करके प्राणायाम करो तो शरीर मजबूत होता है, नाड़ियाँ मजबूत होती। इतना इतना परिश्रम कर रहा गुना में, तो अभी गुना में सत्संग करके आए, क्या पब्लिक थी। पिछले 100 साल में इतनी पब्लिक नहीं इकट्ठी हुई जितनी इस बार हमारे सत्संग में लोगों का
हुजूम उमड़ा, पंडाल बढ़ाए तो भी कम, बढ़ाए तो हमारा तो 24 शाम और 25 का प्रोग्राम था, लेकिन इतनी भीड़ महाराज, चार चार घंटे सत्संग चले गुना में, चार साढ़े चार घंटे, सुबह 9 से चले तो 2 बजे बंद हो, फिर 3 बजे चले तो 7, 7:30 बज जाए, फिर भी लोगों का प्यास नहीं बुझी तो 26 तारीख भी उनको दे दी मैंने, 24-25 था गुना में, लेकिन 26 तारीख भी उनकी प्रीति श्रद्धा से हमने दी। फिर 27 शाम को आ गए थे इंदौर, 28 इधर आ गए हैं, 29 को इधर रहेंगे, 30 को जाएंगे फिर दिल्ली, उधर भी बहुत लोग आते हैं, पहले से पब्लिक नए लोग बहुत बढ़ गए, तो जो जो कुप्रचार करते हैं लोग, त्यों त्यों नए लोग बेचारे आते देखने को, क्या ये आखिर कैसा बाबा है, और जब आते देखते तो उनको लगता है कि अरे राम राम, राम को धोबी ने नहीं छोड़ा, कृष्ण को कंस ने और कुप्रचार वालों ने नहीं छोड़ा, नानक को दो दो राजा हैं, तो बाबर ने बबरता करके नानक जी पर आरोप लगा के जेल में डाला, और फिर मोहम्मद खिलजी बिलजी जो भी है उसने भी डाला, अब नानक जी और वो समय में शरीर तो नानक जी का नहीं दिखता और उन दुष्ट विचार कुप्रचार वालों का भी नहीं दिखता, लेकिन नानक जी तो परमात्मा मय हो गए और उन पर अत्याचार करने वाले दोनों राजा कौन से नरक में गए मुझे पता नहीं, राजा हो अथवा उनके अनुयायी हो, राजा के लोगों ने किया हो, जो भी किया होगा, ऐसे ही मीरा के ऊपर जो दोषारोपण हुए, कबीर जी के ऊपर हुए, बुद्ध पर कितने लांछन लगे, नानक जी पर, रहीदास पर, तो लांछन लगाने वालों की तो मति देर सवेर, उनको तो कर्म का फल मिलता है, लेकिन महापुरुष तो आज भी सब सहते हुए भी समाज में और भी आदर पा रहे हैं, ये भी तो भारत की माता है, विदेश में तो मंसूर को शूली पे चढ़ा दिया गया, सुकरात को जहर दिया गया, जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ शिव जी ने ये राग द्वेष का जहर पिया, नीलकंठ कहलाए, राम कृष्ण की बदनामी हुई फिर भी राम कृष्ण परमहंस कहलाए, विवेकानंद का कुप्रचार करने वालों ने पीछे मुड़के नहीं देखा, 10 गज जमीन विवेकानंद को नहीं मिली अपने गुरु की समाधि बनाने के लिए, इतना कुप्रचार ने जोर पकड़ा, फिर भी अभी भी हम लोग विवेकानंद के लिए आदर बुद्धि रखते हैं, तो जिनके पास समझ है वो संतों का कुप्रचार सुनकर भी कुप्रचार वालों की बातों में नहीं आते, ये दिन दूना रात चुना अपने कार्यक्रम में दिखाई दे रहा है, कितना जितना चोरों का कुप्रचार करते हैं, हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम 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 साजिश करने वाले एक से एक नई साजिश, एक से एक नया प्रोग्राम करते रहते हैं और साधक नए नए एक से एक आते रहते हैं, चलो भगवान सबका मंगल करे। क्यों रे बबलू, मौज में हो, हरि सम जग कछु प्रेम पंथ सम सतगुरु सम गीता सम नहीं ग्रंथ, तो भगवान की सत्ता चेतनता आनंदता के समान जगत कोई माने ही नहीं रखता, और भगवान की प्रीति के पंथ के समान और कोई पंथ ही इतना तेज नहीं है जो भगवत प्रसाद से हमको भर दे, और सतगुरु के समान कोई सज्जन नहीं है, माता पिता ये सब सज्जन है, मित्र बंधु बहुत सारे सज्जन हैं, लेकिन सज्जन लोग दे दे के संसार की नश्वर चीज देंगे, लेकिन सतगुरु सज्जन ऐसे हैं कि विवेक देकर भगवान का प्रसाद देकर मोक्ष दे देते हैं, परमात्मा प्रसाद दे देते हैं, साधु साधु साधु, मेरे सतगुरु रूपी सज्जन भगवान ने मेरे को क्या नहीं दिया, हजारों जन्म के पिताओं ने मिलकर क्या दिया, हजारों जन्म के माताओं ने, मित्रों ने, पत्नियों ने, पतियों ने,
न जाने किस किस योनि में क्या क्या बन के आए, जिन्होंने जो कुछ दिया वो तो नगण्य है, लेकिन सतगुरु ने जो दिया वो अमिट है। आओ श्रोता, तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। मेरे गुरुदेव ने क्या नहीं दिया, हंसते खेलते सत्संग के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा, महापुरुषों की निगाहें बरसती, वाणी बरसती, संकल्प बरसता है, हम लोगों का मंगल ही मंगल होता है। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता पौरुष ग्रंथ है, पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ नश्वर के लिए नहीं, नश्वर का उपयोग करो, और प्राप्ति पुरुषार्थ कर्म ऐसा करो कि करने का राग मिटे, भोगने का भाव मिटे, संग्रह और भोग की बेवकूफी हटे, और नित्य आनंद, नित्य माधुर सच्चिदानंद का स्वभाव जागृत हो। ऐसा नहीं कि कर्म करते 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 भी वासना नहीं मिटे, कर्म करते निष्काम भावना से तो वासना मिटती है, और बद्धू सारुथी जैसे बद्धू बद्धू बराबर थे, जैसे चिंता की कोई बात नहीं। दुखी और चिंतित भयभीत तो वो रहे जिनका स्वार्थ है, जिनको स्वार्थ नहीं है उसको दुखी चिंतित भयभीत होने की जरूरत ही क्या है। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तो स्वार्थ किसको कहते हैं, जो देख कर सूंघ कर चख कर काम विकार भोग कर मजा लेना चाहते वो है स्वार्थी, लेकिन जिससे देखा जाता है सूंघा जाता है कार्य किया जाता है उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो काम करते वो होते कर्मयोगी। बस तो भोगी, भोगी दुखी होते, भोगी डरपोक होते, भोगी का भविष्य खतरे में होता है। संतुष्ट सततम योगी, जो भगवान के रास्ते जाते हैं तो अभी भी आंधी तूफान में भी संतुष्ट। हमारे बच्चों से कितना कितना जुल्म हुआ फिर भी एक भी बच्चा भागा नहीं, गया नहीं। अरे बोले अब घर चले जाओ, बोले नहीं कहाँ जाओगे, इतना तुमको फटकारा, इतना तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, अत्याचार शब्द उन्होंने नहीं बोला, अभी कहाँ जाओगे घर चले जाओ, बोले नहीं हम तो आश्रम में जाएंगे। तो उन्होंने सिर उठा के हाँ आए फिर आश्रम में जाओगे कि हाँ आश्रम में जाएंगे, और सारे बहादुर बच्चे हाजिर हैं आश्रम में, एक भी भगा नहीं ताड़ना से अत्याचार से। बच्चियां भी बहादुर है, बाबू के बच्चे बच्चे तो बच्चे, लेकिन बच्चियां भी बच्चे ही हैं, बापू की बच्चियां भी बच्चे ही हैं, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। ये लड़कियां हैं वो लड़के हैं नहीं, सब बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। क्यों रे बबलू कच्चे रहोगे तो पक्के रहोगे, जिस किसी को मारोगे, जिस किसी को मारोगे, जिस किसी को मारना ये पक्कापन नहीं है, जिस किसी का अज्ञान हर के उसमें भगवान का ज्ञान भरना ये बहादुरपना है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम 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 रामा जी ओम श्यामा जी ओम शिव जी ओम 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 हरि ओम 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 अभी मजा ले लो खुले खुले बैठने की, कल देखना क्या होता है। अभी लोग चल पड़े कोई बंबई से, कोई अहमदाबाद से, कोई भावनगर से, गुजरात से भी कई दूर दूर से लोग चल पड़े। कल सुबह देखना है धमाधम, कल का प्रोग्राम है, आज तो एकांत के लिए आ गए हम। उधर इंदौर में भी सुबह लोग आ गए थे, बापू भी जा रहे थे, भाग भाग के आए दूर से। कल शाम को हम आए थे, किसी को बताना नहीं, चुपके से आए, तो भी शाम को रात को लोग बैठे रहे बेचारे 9:30-10 बजे तक दर्शन के लिए। हमने 8:30 से 10:30 तक उनको सत्संग दिया।
इधर जब एकांत होता, कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो बिना प्रोग्राम के प्रोग्राम में भी तो सत्संग ही होगा, और क्या होगा। अच्छा लगता है बबलूओं को, थक गए होंगे तो जाओ, पढ़ो, कोई पढ़े। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानवान जो संत हैं और सत्य शास्त्र जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं धोखाधड़ी करके सर्टिफिकेट लिए, पढ़े लिखे सर्टिफिकेट लिए, फिर धोखाधड़ी करके मकान बना दिया, बोले पुरुषार्थ किया, जख मारा। सोने की लंका बनाने वाला भी जख मार के गया तो तू कितने बिल्डिंगें बना लेगा। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो प्रकृति अर्थ है। पुरुषस्य अर्थ है इति पुरुषार्थ, परमात्मा पुरुष के लिए प्रयत्न करना, ये पुरुषार्थ है। अरे हमने पुरुषार्थ किया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तो तेरे से तो लंका वाले, लंका के नौकर जितना भी तेरे पास नहीं है। लंका में जो रावण के नौकरों के पास था, वो आज के बड़े बड़े सेठों के पास नहीं है। सोने की लंका, सोने की दीवारें, घर है बड़े बड़े सेठों के पास, आखिर क्या मिला? दुनिया की चीजें इकट्ठी कर लिए, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई बहादुरी नहीं है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान, शांति, सुख दुख में समता, भगवत प्रसाद या बुद्धि, ये पुरुषार्थ है। ठीक है ना? ये बबलू सब समझते हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है। पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है, जिससे संसार समुद्र से जीव पार होता है। हे राम जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सत्शास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है, तो पूर्व का संस्कार बलि है। सत्संग भी करता है, सत्शास्त्र भी विचारता है, फिर भी राग द्वेष या इधर उधर, तो पूर्व के संस्कार बलवान है। तो पूर्व के संस्कार बलवान है तो राग द्वेष पार्टी बाजी लॉबी वॉबी बनाता है, तो क्या करना चाहिए? तो अभी के संस्कार को बलवान बनाना चाहिए, पूर्व के नीच संस्कारों को जीतने के लिए ऊंचे संस्कारों को अपन महत्व दें। एक लड़का नर्मदा जी में स्नान करने गया, उसका भाई स्नान करके बाहर आया, बड़ा छोटा जरा आगे गया तो मगर ने पैर पकड़ लिया, हाँ बचाओ बचाओ। अब भाई तो उसका हाथ खींचे और मगर उसका पैर खींचे, अब विजय किसकी होगी? जिधर को वो जोर मारेगा, मगर के तरफ से बचने का जोर मारेगा, भाई के तरफ बल देगा तो निकल आएगा। ऐसे ही संसार है, मगर खींचता है, और सत्संग सत्शास्त्र अथवा सत्कर्म है भ्राता, वो इधर खींचते और उधर खींचता, तुम किधर जोर देते? नीच संस्कारों के अनुसार जोर देते हो तो राग द्वेष बढ़ेगा, और ऊंचे संस्कारों को जोर देते हो तो तुम विजय हो जाओगे। ठीक है कि नहीं? पूर्व का संस्कार बलि है, ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। हाँ, पूर्व के संस्कार नीच संस्कार बलि हैं, तभी भी पुरुषार्थ नहीं छोड़े, क्योंकि वो हल्के संस्कार हैं, अनित्य हैं, और जीवात्मा मुक्त है, वो उसके नित्य हैं। कितना भी बुरे से बुरा आदमी में भी अच्छाई छुपी है, बुराई शाश्वत नहीं है, अच्छाई शाश्वत है। अच्छाई भगवान का स्वभाव है और बुराई वासना और अहंकार का स्वभाव है, वासना अनित्य है। इसलिए बुरे से बुरे व्यक्ति, दो दिन पहले जहाँ हम ठहरे थे गुना से 10 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट से लगी हुई जमीन थी किसी की, वहाँ बनी थी कुटिया, तो फॉरेस्ट में घूमने जाते थे। अब वो बहुत गरीब गांव थे, वो बेचारे आ जाते थे, तो एक जवान लड़का ऐसा है वैसा है, बोलता नहीं। मैं क्या, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, उसकी मैंने सराहना की, तो उसने धीरे से आँख ऊँची उठाई, बोले खाता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बाबा हम तो मर गए।
मैं कह तो खाता है, खूब अच्छा लड़का है, जरा सा किशमिश दिया तो उसने खाया। मैं कह देखो खा के दिखाओ। फिर दूसरा दिया, तीसरा दिया। वो लड़का जो पागल जैसा था, पागल तो था ही नहीं, बाप बेटे में बनती नहीं थी, इसलिए वो सुन सुन रहता था पागल जैसा। अब मैंने उसको प्यार दिया तो अच्छा हो गया। अब लोग बोलेंगे बापू ने अच्छा किया, अच्छा तो था ही। थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती तो अच्छे संस्कार दे दिया, तो अच्छे संस्कार देंगे तो गड़बड़ी गई। तो सुमति कुमति सबके उररा है, अच्छाई बुराई सबके अंदर है। अच्छाई को महत्व दे दो, अच्छाई को बढ़ा दो, तो बुराई के लिए समय नहीं मिलेगा। हे श्री राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके। हाँ, श्रेष्ठ पुरुष तो वही है, असली अच्छाई तो वही है जिसने सत्संग के द्वारा भगवान का स्वभाव समझा है, और विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा जगत का स्वभाव जाना है। तो जगत का उपयोग करे और भगवान से प्रीति करे और भगवान के नाते भगवत जनों का मंगल चाहे, पुरुषार्थ करे, सदगुरु का सानिध्य और सदगुरु के देवी कार्य को खोज ले। ऐसा नहीं कि कोई कहे तब दिखावे के लिए सेवा करे, नहीं, कोई कहे चाहे न कहे, दिखावे के लिए नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, मानवता के मंगल के लिए सेवा करेगा तो भगवान खुश हो जाते, ठीक है ना। जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है, वह पुरुष नीच से नीच गति को पाएगा। हाँ, जिसने सत्संग के द्वारा शुद्ध पुरुषार्थ नहीं किया और जैसा मन में आया ऐसा करने लग गया, जैसा मन में आया ऐसा खाने लग गया, फिल्म देखने लग गया, बैठ खेलने लग गया, वो करने लग गया, वो करने, वो धीरे धीरे नीच गति को प्राप्त होता है। कितना रावण ऊंचा था, फिर भी जैसा मन में आया ऐसा करा तो गिर गया। और शबरी कितनी साधारण थी, गुरु की आज्ञा में शबरी तत्परता से रही, सच्चाई से रही, पवित्रता से रही, तो कितनी महान हो गई। मीरा कितनी महान हो गई। हयाति काल में इतनी प्रसिद्धि नहीं होती है, शबरी भीलन जब थी तब थोड़ी इतनी प्रसिद्ध थी, साईं बाबा शिरडी वाले थे तब इतनी प्रसिद्धि थोड़ी थी जितनी अभी है। तब तो उनको कोई रोटी नहीं देता था बेचारे, जरा सा दिए के लिए घी मांगे तो घी कौन देवे, डांट देवे। उनका भी कुप्रचार खूब हुआ जब हयाति में थे साईं बाबा को, मोहम्मद साहब का भी खूब हुआ और भी महापुरुषों का हुआ। तो जिनका भी कुप्रचार तेज हुआ है तो समझो कि उन वो उनके शरीर के बाद उनका यश भी बहुत फैलेगा। जैसे नानक के साथ अत्याचार हुआ तो नानक जी का यश कितना है, साईं बाबा के साथ भी अत्याचार हुआ, साईं बाबा का यश दिन दोना बढ़ रहा है। ये सब गहरे मूल जिनके होते हैं उनका कुप्रचार जोर करता है। विवेकानंद का कुप्रचार ने जोर किया, विवेकानंद का देखो यश। और ऐसे महापुरुषों का ऐसा होता भी नहीं कि हमारा यश रहे, जिनको यश की परवाह नहीं होती वो ही सच्चाई का पैगाम देते और उन्हीं का सुप्रचार टिकता है। हमारे मन में ऐसा नहीं कि कुप्रचार वालों का ऐसा हो जाए, ऐसा हो, ऐसा आता ही नहीं कुछ, लेकिन प्रकृति उनको विचारों को रगड़ डालती, या तो बदल जाते या तो फिर प्रकृति उनको बदलने के काबिल होते तो प्रकृति बदलती है, नहीं तो प्रकृति फिर अपना, जैसे जयदेव के साथ अन्याय करने वालों ने अन्याय किया, फिर प्रकृति ने ऐसा रगड़ा कि चलते चलते धरती फटी और चार के चार वो डकैत जयदेव को सताने वाले रीबा रीबा के मर गए। गीत गोविंद के कर्ता जयदेव जी की कहानी सुनाई तुमको मैंने। ऐसे पुनीत महाराज हो गए, उनके साथ भी जैसा भी हुआ, प्रीतम दास महाराज हुए, पयहारी बाबा उनके साथ भी, फिर पृथ्वीराज चौहान उनका शिष्य बन गया, भगत बन गया पयहारी बाबा का। पहले तो दो पैसे का पखा लिया और दूसरे लोग उनकी मजाक उड़ाते थे। फिर पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला कि महापुरुष है, तो पृथ्वीराज चौहान ने फायदा उठाया पयहारी बाबा का,
वो पैहरि बाबा के गुरु थे, भक्तमाल के रचिए था नाभाजी महाराज। और नाभाजी महाराज का पूर्व जीवन क्या था, जन्मजात सूरदास बालक, पिता मर गए, मां जंगल में छोड़ दिया, अग्रदास महाराज ने उसकी आंखों में पानी के दो बूंदे डाले, आशीर्वाद किया, देखते बन गए। और भी कई उनके जीवन में ऊंचाई आई। फिर गुरु ने कहा, बेटा तू भक्तों के चरित्रावली लिख, भक्तों की चरित्रावली लिख, जन्मजात सूरदास बालक। वो ग्रंथ अपना हिंदुस्तान में तो क्या, विदेशों में भी लोग पढ़ते। भक्तमाल, भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज, नाभाजी महाराज के शिष्य पयहरि बाबा, और पयहरि के सत्संग का फायदा उठाया पृथ्वीराज चौहान ने। तो जो अच्छे रास्ते चलता है ना, भगवान उसके अंदर दिव्यता ले आते। और जो कपट करता है, निंदा करता है, समाज को भ्रमित करता है, उसकी बुद्धि मारी जाती, फिर देर सवेर नीच योनियों में पिशाच होके भटकते, बैल हो जाते, कुत्ते हो जाते, घोड़े गधे हो जाते, न जाने कितनी योनियों में जाते होंगे। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि श्रीनिवास, श्रीनिवास। व्रत, तप और प्रायश्चित। व्रत, ऊंचे काम का, ऊंचे पद को अब पाने का निश्चय करना, इसको बोलते हैं व्रत। ऊंचे से ऊंचा काम है ईश्वर प्राप्ति, और ऊंचे से ऊंचा पद है परमात्म पद, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का निर्णय करना ही व्रत है। ईश्वर प्राप्ति का व्रत लेने से सारे दुर्गुण ऐसे जाएंगे जैसे सूरज उदय होने से अंधकार, पिशाच, डाकिनी शाकिनी, भूत, हानिकारक जीवाणु आदि सब स्वाह होने लगते हैं। ईश्वर प्राप्ति का व्रत ले लो कि हमें इसी जन्म में परम दयालु, परम सुहृद अंतरात्मा, जो सदा साथ में है, कभी साथ नहीं छोड़ते, उनको पाना है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य होगा तो यश प्रलोभन की ऐसी तैसी, राग द्वेष की ऐसी तैसी, सफलता विफलता की ऐसी तैसी, अहंकार की ऐसी तैसी। लक्ष्य बना लो ईश्वर प्राप्ति का, विवेक भी आएगा, चार प्रकार की चंचलता भी छूटेगी। ऐसे जब करें 10 मिनट रोज, ये चार प्रकार की मूर्खता भी चली जाएगी। लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का होने से दुर्गुण चले जाएंगे। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय।